हर आदमी जो है जनता को डालने वाला है, जनता की कोई सुनने नहीं देता। ऐसे तो बात सुनवाई नहीं हो पाएगी। मैं आया इसलिए हूँ कि भाई जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पे गौर किया जा सके, लेकिन अगर आप सब लोगों को ठीक लगता है तो मोटे मोटे तौर पे अभी जो मेंबर फाइनेंस साहब ने तीन बड़ी बड़ी समस्याएं रखी थी, अगर आप कहें तो उनके ऊपर मैं बोलूं, मेरा अपना ये मानना है कि उससे 90% जो यहाँ लोग हैं उन उसका एड्रेस हो जाएगा। बाकी कई सारे जैसे अभी भाई साहब ने कहा कहीं लीक कर रहा है, ऐसा जितनी भी इंडिविजुअल समस्याएं हैं वो अगर इंडिविजुअल समस्याएं आप लोग लिख के दे दें, मैं आपको एश्योर करता हूँ विद इन अ वीक उन इंडिविजुअल समस्याओं के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी चीज, अगर किसी जिन लोगों की बिलों की इंडिविजुअल ये इनको एड्रेस करने के बाद मुझे लगता है कि कई सारे बिल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो इंडिविजुअल उसके बावजूद भी रह जाएगी हम यहाँ पे उनको सॉल्व करवाने के लिए अलग से कैंप लगा देंगे जहाँ पे आपकी ऑन द स्पॉट बिलों की शिकायत जो है सॉल्व की जा सकती है। एक अभी मेंबर फाइनेंस ने बताया कि सेक्टर 5 में हम अलग से कैश काउंटर खोल रहे हैं बहुत जल्दी, तो आपको अपने बिल वगैरह जमा कराने में दिक्कत नहीं हुआ करेगी, यहाँ पे पास में आप लोगों की एक वो सुविधा मिल जाएगी। अब दो तीन समस्याएं हैं। एक है कि आप लोगों जो बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं, मेरे पास 2 महीने पहले आपके यहाँ से कुछ लोग आए थे मिलने के लिए। मैं सुबह 10 बजे सोमवार से शुक्रवार अपने घर पे बिना अपॉइंटमेंट के मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ, कोई भी आ सकता है बिना अपॉइंटमेंट के आ सकता है, अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम देके भी आ सकता है और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी लेके आ सकता है, आपका स्वागत है, कभी भी आप आ जाइए। दूसरी चीज, अब हम लोग सरकार में हैं, ये सरकार सबकी है, ये केवल आम आदमी पार्टी के वोटर्स की नहीं है, बीजेपी के वोटर्स की भी है, कांग्रेस के वोटर्स की भी है, सबकी सरकार है। मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है कि अगर दिल्ली में किसी भी नागरिक को कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो, मेरा धर्म है उसकी समस्याओं को सॉल्व करना और उनको हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो 2 महीने पहले कुछ लोग आए थे, मैंने उसके बाद पता किया और उसी के कॉन्सिक्वेंस में आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है कि आप लोगों के साथ बैठ के इसका समाधान निकल सके। आप लोगों को पिछले 2-3 साल से सीवर के चार्जेस लिए जा रहे हैं, जो बोरिंग का पानी आप इस्तेमाल करते हैं उसके नाम पे, कि भाई बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं और बोरिंग का पानी हमारे सीवर में जाता है दिल्ली जल बोर्ड के, जिसका प्रेशर जल बोर्ड पे पड़ता है, जल बोर्ड आप ही का है, जल बोर्ड को फाइनेंशियली ठीक से चलाना हम सबका ही जिम्मेदारी है। उनकी ये डिमांड थी, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप सारे एरियर्स हमारे माफ कर दीजिए, भविष्य में जो आप 100 रुपए महीना पर घर लेना चाहते हैं वो आप भविष्य में ले सकते हैं, 100 रुपए महीना भविष्य में हमें पर घर देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एरियर्स इतने सारे नहीं दे सकते। अगर ये सुझाव सबको पसंद है तो हम एरियर्स सारे माफ कर देते हैं और भविष्य के लिए 100 रुपए पर कनेक्शन हम मंजूर है। एक एक करके बोलेंगे तो बोरवेल अगर बंद कर दिया जाए, अगर उसको कैपिंग कर दिया जाए सर, बोरवेल को सर एक सेकंड सर सर मैं एक मिनट एक 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 करके सुनाई, एक सेकंड मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ सर, एक एक करके एक एक करके सर एक सेकंड सर मैं एक सेकंड केजरीवाल सर सर मैं एक मिनट इनके सुन लेते हैं, अगर ये आपकी बात कह रहे हैं तो सर मैं विंग कमांडर गोविंद हूँ, एयरफोर्स नेवल हाउसिंग सोसाइटी जो कि सारे फौजियों की सोसाइटी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, जब ये बोरवेल लगवाया गया था विद दी परमिशन ड्यू परमिशन ऑफ दी गवर्नमेंट, उसके बाद में हमने इसकी देखी TDS 3200
3500 TDS है, हमने उसको पहले ही बंद कर दिया। और रियली सर हमारे इतना अच्छा पानी आता है, हमें क्या जरूरत है बोरवेल की। हमने उसको कैपिंग भी करा दिया, हम आपको उसका सर्टिफिकेट देंगे कि हमारे कोई बोरवेल नहीं है, हम उसके सब कुछ निकलवा देंगे। अगर यही कर लेते हैं कि जो जो बोरवेल यूज नहीं कर रहे उनको नहीं लगेगा, नहीं लगेगा सर, यही चाहते हैं हम, ये चाहते हैं। आप अगर कर रहे हैं तो जरूर करिए, लेकिन अगर नहीं करिए तो मत। तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट सुनिए जरा, एक मिनट सर, ये इनके हाँ सुन लो, एक मिनट सुन लीजिए जरा सर, अगर सबको मंजूर हो तो। हाँ, पुराने एरियर्स माफ कर देते हैं, जो जो लोग अपने बोरवेल को सील कर लेंगे हाँ सर, उन लोगों को कोई एडिशनल सीवर चार्जेस नहीं लगेंगे। जो जो लोग अपने बोरवेल को इस्तेमाल करेंगे उन लोगों को भविष्य में 100 रुपए पर कनेक्शन पर मंथ देना पड़ेगा। जरा हाथ खड़े करके सहमति जता दीजिए। तो एक ये वाला प्रस्ताव पास हो गया। उनको माइक दे दीजिए जरा, गेड़ी गेड़ी सर, ये हमें मंजूर है। सारे एरियंस के जो सोसाइटियां बोरवेल यूज नहीं कर रही है उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। रुक जाइए अंकल, रुक जाइए, बोलिए। आई होप केजरीवाल जी का अंकल, माई ओनली सजेशन टू दिस इज, यहाँ पर आप जनरल प्लीज लिसन टू मी, जरा मेरी बात सुनिए, शांति बनाए रहे ताकि आपके बीच में से केजरीवाल जी की बात सुनी जाए। आपका गार्डन यहाँ पर अगर फ्रेश वाटर यूज होगा, आप पानी सबको नहीं सप्लाई कर सकते हो। ओनली सोल्यूशन आई वुड रिकमेंड इज, आप इसको खुला रहने दो, और सन लाइट इज फॉर ग्रीनरी इट इज टू बी यूज, प्लीज लेट इट यूज, अदरवाइज आपका ग्रीन एरिया जीरो हो जाएगा, ये ख्याल रखना। आप इसको खुला रखिए और विदाउट एनी चार्जेस, वी आर हेल्पिंग यू, वी आर हेल्पिंग यू टू हैव अ ग्रीन द्वारका, प्लीज। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट कि अगर बोरिंग का पानी अगर हम लोग हॉर्टिकल्चर में यूज कर लें तो हमारा साफ पानी बच जाएगा। तो अच्छा, एक सुझाव है, एक और सुझाव है, हाँ अगर एक और सुझाव है, चलिए हम आपसे सीवर के चार्जेस नहीं लेते बोरिंग के, लेकिन हमारी ये दिल्ली तो अपनी है, वाटर टेबल भी अपनी है, बियॉन्ड अ पॉइंट ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना ठीक नहीं है, तो उस पर मीटर लगा दिए जाए। आप उसमें इसको हम लोग आपस में कंसल्ट कर लेंगे जल बोर्ड कि भाई कितनी पानी एक्सट्रैक्शन अलाउ होनी चाहिए। मीटर लगाने के लिए तो सब लोग तैयार है बोरिंग पे, तो आपसे पुराने एरियर माफ कर देते हैं, भविष्य में भी सीवर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम, एक मिनट सर, एक दो मिनट अम्मा जी, दो मिनट बैठ जाओ। दूसरी आपकी समस्या थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है, सब लोग मानते हैं दिल्ली के लिए जरूरी है। जैसे भाई साहब कह रहे थे तेरी का पानी हम लोग यूज करते हैं, उनको तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जितनी भी होती है, जो इतना पानी क्यों वेस्ट करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो अभी तक पेनल्टी लगी थी उस पेनल्टी को माफ कर देते हैं। जिन लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब ही लगाई और लगानी है, हम 6 महीने का टाइम और दे देते हैं उन लोगों को। 6 महीने के अंदर आप लगा लीजिए, जून तक के महीने तक। उसके बाद आप लोगों को मेरा सुझाव है, साल में 2 बार आप सेल्फ सर्टिफिकेशन दे दीजिए, हमारा आदमी नहीं आएगा, आप सर्टिफाई कर दीजिए। सेल्फ सर्टिफिकेशन, अच्छा चलिए साल में 1 बार, एक मिनट,
पर साल में एक बार तो हमारा आदमी तो चेक करेगा फिर, मंजूर है? तो उसको अगर कोई पैसे मांगे तो मेरे पास आ जाएगा, जेल भेज देंगे उसको, चिंता मत करो। एक मिनट, पैसे लेते हैं मेरे पास आ जाना, जो पैसे मांगे मेरे पास आ जाना, लेकिन इस मुझे लगता है कि एनफोर्समेंट बंद नहीं की जा सकती दिल्ली के अंदर, वो तो होनी चाहिए। हेलो, दूसरी चीज, एक मिनट, तो ये दूसरी चीज भी सब लोगों को मंजूर है? केजरीवाल जी सर, एक सा क्वेश्चन है, एक मिनट, आप लोगों को 30 जून तक का टाइम दे दिया, 30 जून तक सब लोग अपना अपना ठीक करा लेना, 30 जून के बाद एक बारी हम इंस्पेक्शन कर लेंगे, क्योंकि बारिशें उसके तुरंत बाद आएंगी, ताकि बारिश का पानी हम लोग कर सके, तभी साल भर आप बोरिंग इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं तो बोरिंग इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे आप लोग। तीसरी चीज, जहां तक डीडीए का सवाल है, इसके बारे में मैंने बहुत चर्चा की यहां आने के पहले अपने ऑफिसर्स के साथ, डीडीए को चिट्ठी लिख लिख के हमारे ऑफिसर्स परेशान हो गए हैं, वो लोग सारा डेटा नहीं दे रहे। हम दो काम कर सकते हैं इसमें, जिन जिन लोगों के को लगता है कि उनके बिल्स डिस्प्यूटेड हैं, जब कैंप लगेगा आप लोग तब बता दीजिएगा, या अलग से चिट्ठी लिख के बता दीजिए उनको, अलग से डीडीए के साथ एक 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 केस को हम लोग टेकअप करना शुरू करेंगे। मैं पर्सनली जाके एलजी साहब से बात करूंगा, एलजी साहब चेयरमैन है डीडीए के, और उनसे निवेदन करूंगा कि डीडीए को कहके इस मामले को सुलटाया जाए, और जब तक ये सुलट नहीं जाता, आपके बिलों में लग के आ रहा है, हम उसको एनफोर्स नहीं कर रहे, आपको उसके लिए परेशान नहीं किया जाएगा जब तक इस मामले को सुलटाया नहीं जाता। तो ये मोटे मोटे तीन मुद्दे थे, मेरा आप निवेदन है, जो इंडिविजुअल समस्याएं अब रह गई हैं उन सर, एक आपसे छोटा सा अनुरोध है, प्लीज सर, केजरीवाल सर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, मेरी बात सुनेंगे, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये सबके लिए है, सबके लिए है, प्लीज केजरीवाल सर, प्लीज थोड़ा नोटिस कीजिए, नहीं इधर है सर, हेलो, अक्टूबर में आपने एक अक्टूबर में अनाउंस किया था, सर मैं कॉमन सेक्टर से हूँ सर, सीएम साहब, हेलो सीएम साहब, मैं अपनी बात बोलिए सर, मैं इस 18 सेक्टर से हूँ, और पूरे 18 सेक्टर में आज तक कोई बिल ही नहीं आ रहा, 18 सेक्टर में बिल ही नहीं आ रहा सर, बिल भिजवाते, मेरी निवेदन है, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, कहीं लीकेज है, कहीं बिल नहीं आ रहा, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, आप कृपया उनको सबको लिख के दे दीजिए, और उनको मैं एक हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ उस पर कार्रवाई शुरू करवा दूंगा। दूसरी बात, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने को बिलों से होती है, कभी हम कहते हैं जी मीटर रीडर पढ़ने के लिए नहीं आया, कभी हम कहते हैं बिना रीडिंग का मीटर आ गया, एवरेज आ गया, हम कोशिश कर रहे हैं 6 से 8 महीने के अंदर हर मीटर रीडर को एक टेबलेट दी जाएगी, वो आपके घर आएगा, उसको मीटर की फोटो खींचनी होगी, वो फोटो अपलोड होगी, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो सैटेलाइट के जरिए तो पता चल जाएगा मीटर रीडर आया था और उसने आपके मीटर की एक्चुअल रीडिंग ली है कि नहीं ली है। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि 90% प्रॉब्लम्स जो है आप लोगों की बिल्स की सॉल्व हो जाएंगी। सर एक छोटी सी विनती है, आप प्लीज मेरी पेनल्टी आगे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है सर, केजरीवाल सर सर अब जो प्लीज सर सारे लोग बोलेंगे, नहीं सुना जाएगा, पीछे से भी आवाज आ रही है, यहाँ से भी, मेरी बात सुन लीजिए सर, तीन जो मुख्य जो दिक्कतें थी उनका समाधान यहाँ हो गया है, मेरा ऑफिस ओल्ड ककरोला रोड सेक्टर 13 की रेड लाइट के पास है, 11:30 से 1 बजे तक मैं रोजाना बैठता हूँ, मेरा आपसे निवेदन है, आपकी पर्टिकुलर जो और समस्या इसके अलावा है मैं मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचा दूंगा, अगले 2 दिन के अंदर वो चिट्ठियां सारी पहुंच जाएंगी मुख्यमंत्री के पास, आपसे निवेदन है जिनकी अलग अलग समस्याएं हैं, कल सुबह 11:30 बजे रविवार का दिन है, आपसे निवेदन, आप कल आ जाइएगा, मैं सारी समस्याएं सर के पास पहुंचा दूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
है।